बस मां, आप इतना रोती रहेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं दिखता, इस समय तो मुझे सिर्फ तुम्हारे पिताजी की चिंता हो रही है। पता नहीं उनके साथ जेल में क्या बर्ताव हो रहा होगा। माची, प्लीज इस वक्त आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हाँ माँ, आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत टेंशन हो गया। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये कैसा दिन दिखा रहा है भगवान। जा बेटा, जल्दी से जाकर उन्हें रिहा करवा ला। नहीं बाजी, श्रवण जी, क्या कोई भी समझदार इंसान उन्हें जेल से रिहा करवाने के पक्ष में नहीं होगा। अच्छी, आपको रोते हुए नहीं देख पा रही हूँ, पर माफ कीजिएगा, इस मामले में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। इस बार उन्होंने जो गुनाह किया वो माफी के लायक नहीं। आप जानती हैं ना धर्म जी ने दी के साथ क्या किया? आप तो खुद एक औरत है ना, फिर भी आप उनकी तरफदारी कर रही हैं, उनके लिए आंसू बहा रही हैं आप, क्यों माची, क्यों? ए छोकरी, जैसी माँ वैसी बेटी, तेरी सास से आधी उम्र की है तू, फिर भी उसे ज्ञान बांट रही है। गजब की हिम्मत है तुझमें हाँ छोकरी, मेरे ही घर में खड़ी रह के मेरे बेटे को कोस रही है। मां तू थोड़ी राजस्थान हूँ, लेकिन गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे खून की है। बाजी आप चुप, इस जन्म में बहुत हो गया मोदी परिवार का, बहुत हो गया, दिमाग खराब हो गया अब मेरा। इस घर में बहू बन के आई, लेकिन जब से आई है तब से लेके आज तक तू विद्या सूर्यवंशी नहीं बल्कि विद्या मोदी ही रही है। और मोदी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल, निकल यहाँ से। जहाँ गलत को बढ़ावा और सही को सजा मिलती हो वहाँ से चले जाने में ही भलाई। कमाल की बेशरम लड़की है तू, जबान पे जरा भी लगाम नहीं है। चल निकल, निकल यहां से। विद्या जी रुकिए, बाजी इसे आप घर से बाहर भेज रही हैं, वो मेरी पत्नी है, विद्या श्रवण सूर्यवंशी। चाहे आप माने या ना माने, विद्या जी आप अकेले नहीं जाएंगे इस घर से, माँ और मैं दोनों चलेंगे आपके साथ। बाजी इनका पति होने के नाते इनका साथ देना, उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। चलिए विद्या जी, हाँ चलिए, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये कोकिला और उसकी पोतियां मेरे घर को उजाड़ के रख देगी। एक ने मेरे बेटे को अंदर कर दिया और दूसरी मेरे पोते को घर के बाहर ले जा रही। लेकिन मेरा नाम भी कौरा सूर्यवंशी, इतनी आसानी से मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी और ना ही मोदी परिवार को जीतने दूंगी।
वाह दुर्गेश्वरी देवी वाह। कहते हैं जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं। या तो तू बहुत भोली है या बहुत चालाक है। वहां तेरा पति जेल में सड़ रहा है और तू यहां सामान बांध रही है। वाह मैं तो यही है तेरा प्यार। ऐसे मत कहिए बाजी। बस सब देख लिया है। उस लड़की ने दो चार बातें क्या सुना दी तुम्हें? तुम उसकी बातों में आके अपने पति का घर छोड़ रही हो? मेरी बात सुन, तेरे लिए अपने पति के दिल में जगह बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं आएगा जीवन में। मीरा ने जो कुछ भी किया, क्या यूं कहो तो हमारे धर्म के ऊपर जो इल्जाम लगाया वो कितना बेबुनियाद है ये तू भी जानती है। इसलिए मेरी बात मान ले, धर्म का साथ देकर उसका दिल जीत ले और फिर से उसके जीवन में अपनी खोई हुई जगह बना ले। फिर तू होगी रानी और वो मीरा बनेगी नौकरानी। विद्या जी, पैकिंग अच्छे से कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हमें किसी भी काम से यहां दोबारा आना पड़े। शपन जी, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करूं? विद्या जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ना यहाँ आप खुश हैं ना माँ, और वैसे भी मैं माँ की आंख में एक भी आंसू नहीं देख सकता। ये तभी पॉसिबल होगा जब माँ इस घर से बाहर जाएंगी। नहीं श्रवण, तुम गलत सोच रहे हो बेटा। बेटा, मेरी खुशी इसी घर में। माँ, आपको हो क्या गया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये? हाँ बेटा, मैंने बहुत सोचा, पर मेरा मन नहीं मान रहा। जब मुसीबत आती है ना, तब उसे मुंह मोड़कर भागा नहीं जाता, उसका डर कर सामना करना पड़ता। माँ जी, बेटा, मैंने भी सोचा कि ये घर छोड़कर चली जाऊं, पर जिस घर में मेरे पति रहते हैं वो घर छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? बेटा श्रवण, जब तक ना वो घर वापस आ जाते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। माँ जी, उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, दी के साथ इतना कुछ हुआ इस घर में, उसके बाद भी आप ये कह रही हैं पर्स वहां निभाया जाता है जहां हक मिले। और माफ कीजिएगा माँ जी, इस घर में ना तो कभी पत्नी का हक मिला और ना ही कभी। विद्या, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे तो माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी मां समान है, ऐसा करके मुझ पे पाप मत चढ़ाइए। बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरे पास तेरे जैसे माँ बाप बहन दादी ये सारे रिश्ते नहीं है, इसलिए मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। बेटा, जो भी बचे खुचे रिश्ते हैं ना, वो यही इसी घर में है। बेटा, मैं उसे गवाना नहीं चाहती हूँ विद्या। बस माँ, मेरा ब्रह्मास्त्र बखूबी काम कर गया। अब इसका इस्तेमाल करके बड़ा धमाका करना होगा। बस
रोइए मत। आपकी बात मान लेते हैं। नहीं दिख रहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाओ। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और अब इस घर से मेरी अति ही उठेगी। माँ श्रवण, तुझे मेरी कसम है, मेरी जिंदगी तो बस अब थोड़ी ही बाकी है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस घर से दूर एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। और इसलिए तुझे वचन देना होगा कि तुम लोग अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओगे। माजी, नहीं बेटा, मना मत करना, तुम्हें भी मेरी कसम है। ये दुर्गा शाणी नहीं, टेढ़ शाणी निकली। मैंने इसे कहा था श्रवण और विद्या को रोकने के लिए, लेकिन ये लंबी माँ, क्या करूं? तुम दोनों का बहुत बहुत आभार। वाह दुर्गेश्वरी देवी, तूने तो एकदम चक्का मार दिया। मतलब मैं समझी नहीं, तो अकेले ही अपने पति के दिल पे कब्जा करना चाहती है? तेरा अपना बेटा इस घर में रहना चाहता है और तू है कि उसको करके बाहर भगा रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस बस मैं सब संभालूंगी। दुर्गा, मैं जो कह रही हूँ तू वैसा कर। तू इस घर की बड़ी बहू बनना चाहती है ना, हा? तो उसका दिल जीतने के लिए थोड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे तुझे, हा? इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर, समझी गई? कल तेरे पति की अदालत में सुनवाई है उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। अब तुझे क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगी, तू बस तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।